प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने जिंदगी के सब पहलुओं को जाना था, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है जो कि हम जिंदगी के किसी मोड़ पर भी हों उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो, जबकि मुश्किलें हमारे अंग संग बढ़ गई हों, जबकि हम दुखों से घिर गए हों, जब कि हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि ज़िंदगी कैसे गुजारें, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर बहुत ही अच्छा लिखा है। अगली पूरी गज़ल लिखी हुई है, उसका ये पहला शेर है जिसमें फरमाते हैं कि वो सलीका हमें जीने का सिखा दे साकी, कि वो सलीका हमें जीने का सिखा दे साकी, जो हमें दहर से बेगाना बना दे साकी। तो एक प्रार्थना कर रहे हैं, अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे सदगुरु, आप मुझे वो तरीका जीने का सिखाइए जो जितने भी गम हैं, जितने भी दुनिया के गम हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, उससे मैं दूर हो जाऊं, उनका मुझ पर असर ना हो, और जब गम आए भी तो जिंदगी में मुझे रास्ता मिले। आप मुझे समझाइए, बताइए। यही प्रार्थना यहाँ की जा रही है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊँ ताकि मैं सुखी रहूँ, प्रेम से जीऊँ और आनंद की जिंदगी जीऊं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जब ये सवाल उठाते हैं तो इसका जवाब भी देते हैं। वो समझाते हैं कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम खुशी कहाँ से पाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग खुशी बाहर की दुनिया में पाने की कोशिश करते हैं। हर एक इंसान सोचता है कि शायद अगर उसका शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो तकलीफें कम होंगी, तो शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए लगा रहता है। बहुत से इंसान सोचते हैं कि अगर फाइनेंसेस अच्छे होंगे, धन दौलत काफ़ी होगी तो वो खुश रहेंगे, तो सुबह से रात तक धन दौलत कमाने में इंसान लगा रहता है। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर हमारा मेल मिलाप सबसे बना रहेगा, हमारे रिलेशनशिप ठीक रहेंगे, तो वो अपना पूरा ध्यान उस ओर लगाते हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी की ओर देखें, जितनी भी ज़िंदगी हम जिए हैं, तो हम देखेंगे कि जितना मर्जी हम शरीर को तंदुरुस्त कर दें, कभी ना कभी कोई ना कोई तकलीफ़ आ जाती है। और जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, ये शरीर क्योंकि मशीन के माफक है, इसके पुर्जे उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करते। तो जैसे जैसे हम एज करते हैं, जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो जाती है। किसको ब्लड प्रेशर हो गया, किसको शुगर की प्रॉब्लम, किसकी नीज में दर्द हो रहा है, किसके लिवर में प्रॉब्लम है, किसको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, कुछ ना कुछ शरीर से लगा रहता है। क्योंकि ये शरीर सदा सदा के लिए सही तरीके से कायम कोई भी कर नहीं देता। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो हम सोचते हैं हमारी फाइनेंसेस अच्छी हों, धन दौलत हमारे पास अच्छी रहे, उसमें भी ऊंच नीच आते रहते हैं। अगर हम काम करते हैं किसी कंपनी में, तो कभी कंपनी को अगर तकलीफ़ हो तो जो काम कर रहे हैं उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। अगर हमारा अपना बिजनेस है तो कभी बिजनेस अच्छा हो रहा है, कभी बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा। अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, कभी इन्वेस्टमेंट अच्छी होती हैं, कभी नहीं होती हैं अच्छी। तो ऊंच नीच फाइनेंशियल दुनिया में आती रहती है। ऐसे ही जो हम सोचते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स हमको खुशी देंगे, जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती है
वो रिलेशनशिप जिनको हम बहुत पक्का समझते थे उनमें दरार आ जाता है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो गई, भाई भाई में तकलीफ़ हो जाती है, बच्चे और पेरेंट्स में तकलीफ़ें हो जाती हैं, दोस्त मित्रों में तकलीफ़ें हो जाती हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हो जाता है, ये कोई नहीं चाहता कि होए मगर ये हो जाता है। आप अपनी ज़िंदगी देखें, औरों की ज़िंदगी देखें जिनको आप जानते हैं, तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ें हो जाती हैं जो समझ से बाहर हैं, क्यों होगी वो समझ में नहीं आता लेकिन हो जाती हैं। तो उनकी और ही अगर ध्यान देते रहे तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो जाती। कई बारी वो जो हमारे बहुत नज़दीकी हैं उनको जॉब करके किसी और रीज़न करके कहीं और जाना पड़ जाता है, तो दूरी वैसी फिज़िकल दूरी हो जाती है। तो अगर हम ध्यान सिर्फ इन चीज़ों की ओर रखेंगे कि शरीर कायम रहे ठीक से, धन दौलत कायम रहे ठीक से, रिलेशनशिप कायम रहे, तो वो फिर ज़रूर कहीं ना कहीं हमें तकलीफ़ ज़रूर आएगी। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हम उस ओर ध्यान दें जहाँ से कभी तकलीफ़ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो क्या है जो सदा सदा के लिए हमें सुख चैन दे सकता है? वो जिसने सृष्टि रची, पिता परमेश्वर ने, ईश्वर कहें, प्रभु कहें, परमात्मा कहें, वाहेगुरु कहें, किसी भी नाम से पुकारें, जब ध्यान उनकी ओर होगा, वो जो सृष्टि के शुरुआत से थे, आज भी हैं, सृष्टि के आखिर तक रहेंगे, वो जो हर पल हर क्षण हम सबका ख्याल करते हैं चाहे हमें मालूम हो चाहे ना हो। हम कई बार जब ऊंच नीच से जा रहे होते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि शायद ये हमारे कर्म हैं, लेकिन प्रभु का हाथ हमें हर समय सहारा देता रहता है। तो जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेंगे तो फिर वो महासागर जो सुख चैन का महासागर है उसका हम अनुभव करना शुरू कर देंगे। अब पिता परमेश्वर कहीं आसमान में नहीं बैठे हुए, ये नहीं कि उनको पाने के लिए, उनको जानने के लिए किसी हवाई जहाज में बैठना है या ये जो आउटर स्पेस के मैकेनिज्म बने उनमें जाकर ही हम आउटर स्पेस में जाएंगे तो तब उनको पा लेंगे। हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि प्रभु हम सबके भीतर हैं, हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है। ये तो बाहर की दुनिया है जिसे हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, इन आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जुबान से चखते हैं और स्पर्श की इंद्रिय है, इससे हम ये बाहर की दुनिया देख रहे हैं, इसे माया की दुनिया कहा गया। जो असलियत है उस पर पर्दे पड़े हुए हैं, असलियत की कई रिफ्लेक्शन हैं जिनको देख रहे हैं। ऐसे ही हमारी हालत है, हम सोचते हैं कि 2020 विजन हो जाए तो चीज़ें बड़ी क्लियर दिखेंगी, लेकिन हम भूल जाते हैं जो हमें दिख रहा है ये असली नहीं है, ये असलियत की रिफ्लेक्शन है और उसकी रिफ्लेक्शन है और उसकी रिफ्लेक्शन है और उसकी रिफ्लेक्शन है। बहुत धुंधली चीज़ें दिख रही हैं हमें जिन्हें हम असली समझना शुरू कर देते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि हम एक स्वप्न की ज़िंदगी जी रहे हैं। जब इंसान स्वप्न लेता है, उसको स्वप्न आता है, तो उसे लगता है कि सब चीज़ सही है, हर एक चीज़ वैसी हो रही है जैसे कि उसको स्वप्न में लग रहा है, लेकिन जैसे ही उसे जागता है तो उसे लगता है ओहो ये तो स्वप्न था। जब तक हम स्वप्न की ज़िंदगी जीते रहेंगे, ये बाहर की दुनिया की ओर हम ध्यान देते रहेंगे, हमें आध्यात्मिक जागृति आनी ज़रूरी है। वो तब आएगी जब हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा, हम सबके अंदर प्रभु के प्रेम के खजाने भरे हुए हैं, हम सबके अंदर रूहानी खजाने हैं,
जो खुशियों से भरपूर हैं। पिता परमेश्वर जिन्हें सच्चित आनंद के नाम से जाना जाता है, वो जो आनंद की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम भूल चुके हैं। हम सिर्फ प्रभु को सच्चाई के नाम से और कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं, चित से जानते हैं। लेकिन जो उनकी आनंद की अवस्था है, जो कण कण में समाई हुई है, जो हमारे भीतर है, उस ओर हमारा ध्यान जाता नहीं। और इसलिए जाता नहीं क्योंकि हम बाहर की दुनिया में अपने ध्यान को टिकाए हुए हैं। जब हमें अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका आ जाएगा, तो जो अंदर के खजाने हैं वो सब खुलने शुरू हो जाएंगे। और जब उनमें हम कदम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करना शुरू कर देंगे। वो प्रेम जो एक माँ बाप का अपने बच्चे के लिए से कई 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 गुना ज़्यादा है, क्योंकि हम सब प्रभु का हिस्सा हैं, प्रभु की संतान हैं। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो। और किसी कारण हमारी ज़िंदगी में तकलीफ आ जाती है, हमारे कर्म कैसे हैं, इंसान के अपने अलग कर्म होते हैं, फैमिली के साथ कर्म होते हैं, सोसाइटी के साथ कर्म होते हैं, देश के साथ कर्म होते हैं, फिर ग्लोबल कर्म होते हैं। और कई बारी उस करके भी तकलीफें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटक रही है। अब पिछले जन्मों ने हमने क्या किया है इस पर पर्दा पड़ा है, हमें मालूम नहीं कि हमारे संचित कर्म क्या हैं। वो कर्म जो हमारी आत्मा के जुड़े हुए हैं, जब से हम प्रभु से अलग हुए, जब जब हम मानव चोले में आए, हमने सोचा, हमने बोला, हमने कार्य किए, से कर्म बनते हैं। वो स्टोर हाउस ऑफ कर्म आ जाए, वो संचित कर्म है। उनमें से थोड़ा सा ऐसा जैसे प्रलब्ध कर्म कहा गया, वो इस ज़िंदगी में हम झेलते हैं, उनका भी हमें कुछ ज्ञान नहीं। इसीलिए कई बारी ऊंच नीच ज़िंदगी में आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझ के दायरे से बाहर हैं। कोई बहुत तंदुरुस्त इंसान, उसे कुछ ऐसी बीमारी एकदम से हो जाती है जो पता नहीं लगता कैसे हो गई। कोई गरीब इंसान है, उसकी एकदम लॉटरी निकल आती है। कोई बहुत अमीर है, उसका बिजनेस एकदम से डाउन चला जाता है। ऐसी चीज़ें जिसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं। लेकिन उनसे हमें घबराना नहीं, हर हाल में प्रभु का हाथ हमें सहारा दे रहा है। उसका अनुभव तब होता है जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज प्रार्थना यही कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे मेरे सदगुरु, कि वो सलीका मुझे जीने का सिखा दे साकी, कि आप मुझे वो तरीका बताइए जीने का जो गमे दहर से बेगाना बना दे सके। क्योंकि जितने भी गम है, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ है, वो हट जाए, उससे मैं दूर हो जाऊं और मुझे वो तरीका समझाइए जिससे कि मैं असली जिंदगी जीना शुरू करूं। महापुरुष जब भी आए, उन्होंने हमें समझा कि सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमारी समझ सही हो, हम समझें कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, इस सृष्टि से क्या है, बाकी जो लोग यहाँ जी रहे हैं और बाकी भी जीव जी रहे हैं, उनसे क्या है रिश्ता नाता। हम ये ना सोचें कि हम सबसे अलग हैं, हम जाने कि हम सब जुड़े हुए हैं, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा, कि हम जाने कि हम हैं कौन। वो तब होगा जब ध्यान बाहर से हटेगा, अंदर की ओर जाएंगे, कि हमारी आत्मा पर मन माया के पर्दे पड़े। अभी हम हलचल में हैं, हम कहते हैं मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं यहाँ भी सैर कर रहा हूँ, मैं वहाँ भी सैर कर रहा हूँ, इसकी भी जानकारी पालूँ, उसकी भी जानकारी पालूँ, इनको भी मिलाऊँ, उनको भी मिलाऊँ, इन चीज़ों में लगे हुए हैं, हलचल 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 की ज़िंदगी जी रहे हैं। जब हम शांत होंगे तो जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा पर हैं, हटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अंदर की दुनिया में जाने के लिए शांति की अवस्था में होना ज़रूरी है,
उसे मेडिटेशन कहें, इन्वर्जन कहें, गोइंग विद इन कहें, प्रेइंग विद अटेंशन कहें, भजन सिमरन कहें, कि शरीर को शांत करें और मन को शांत करें। संतमत का रास्ता बार 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 समझाता है कि हमें अपने आप को सही रूप में जानना है। हमारा असली रूप शारीरिक नहीं, आत्मिक है। उस आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। हम कौन है उसकी जानकारी हमें हो सकती है। और जब एक बारी हमें ये समझ आ गया, ये अनुभव हो गया कि हम एक आत्मा हैं, तो फिर हमें ये भी समझ में आएगा कि उस आत्मा को ये मौका मिला है पिता परमेश्वर से एकमेक होने का। प्रभु हमसे दूर नहीं, पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हम उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एकमेक हो सकते हैं। वो हमारे भीतर है, हमसे कहीं दूर नहीं। उनसे नज़दीक और कोई है नहीं, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, इस शरीर के अंदर परमात्मा है। वो मिल नहीं रहे क्योंकि मन ने दीवार खड़ी की है। इसीलिए जो अंदर की दुनिया में बढ़ने का रास्ता है, उसमें बाहर से शांति पाकर मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। जो SOS मेडिटेशन है, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी की मेडिटेशन है, ज्योति मेडिटेशन है, ये तरीके हैं अपने आप को शांत करने के और अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए। बाहर शांति पाना बहुत आसान है। अगर हम ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाएगी। अब जब बैठते हैं, हम देखें कि हमारा शरीर का ऐसा किसी और को ना लगे, ताकि स्पर्श की इंद्रिय अंदर को खिंच जाए। हमें एटमॉस्फेयर को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ स्पिरिचुअली चार्ज करने की ज़रूरत नहीं। हमें समझना चाहिए कि प्रभु ने सारी सृष्टि रची, जहाँ भी हमें वो सब जगह ठीक है, प्रभु कण कण में समाए हैं, ताकि ये सूंघने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाए। जब हम अभ्यास करने के लिए बैठेंगे, हम खाएं पिएंगे नहीं, ताकि चखने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाए। और हम जब बैठ गए, एक ऐसे तरीके से बैठे हैं जिसमें कि देर तक हिले जुले नहीं। अगर हिले जुलेंगे तो टेंशन बाहर की ओर जाएगी। तो जब हम बैठ गए तो आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय भी अंदर को खिंच जाएगी। तो पांचों इंद्रियों को अंदर खींचना कोई मुश्किल काम नहीं है। शांत जगह ढूंढ के बैठ जाएं, आंखें बंद करें, पांचों इंद्रियां अंदर को खींचती हैं। होता क्या, आंखें जैसे ही बंद करते हैं तो कोई ना कोई विचार हमें आ जाता है। विचार, कल क्या हुआ उसका, कल क्या करना है उसका, फैमिली में क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, बिजनेस में क्या हो रहा है, दोस्त मित्रों से क्या बातचीत करनी है, या क्या हुई, कुछ भी ख्याल आया तो ध्यान ख्याल में चला जाता है। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो ये विचार हैं, ये हमारे मन से आते हैं। मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, तो उसके बहुत इजी मैकेनिज्म है, वो हमें विचार भेज देता है। तो हमें मन की करेक्टरिस्टिक को समझना है। मन बहुत चंचल है, वो हर समय कुछ ना कुछ करना चाहता है। अगर उससे हम लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि मन से हम प्रेम करें, प्रेम से बातचीत करें, उससे दोस्ती करें, उसको समझाएं कि हे मन, ये जहां हम जी रहे हैं ये तुम्हारा भी घर नहीं है, तुम्हारा घर तीसरी मंजिल पर है, तुम अपने मंजिल की ओर बढ़ो, उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कराएं। इसीलिए जैसे हम आँखें बंद करते हैं, मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं, ताकि मन की अटेंशन जाप में जाए, प्रभु के नाम के जाप में जाए, प्रभु की ओर जाए। हम प्रभु को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। जिस ओर हम ध्यान करेंगे वैसे ही बनेंगे। इसलिए प्रभु के नाम का जाप किया जाता है, उसको सिमरन कहा जाता है। वो अब ऊंचा नहीं करना, अगर जबान से करेंगे कानों को सुनाई देगा, बाहर की ओर अटेंशन जाएगी। तो जो ये जाप करना है प्रभु के नाम का, ये मन ही मन करना है।
ताकि मन उस जाप में लगे और उसमें ताकत ना रहे हमें विचार भेजने की। तो उस स्टेट में जबकि मन में ताकत नहीं रहेगी विचार भेजने की, हम देखेंगे कि हमारे सामने अंधेरे में रोशनी के चिन्ह आने शुरू हो जाएंगे। शुरू शुरू में ऐसे लगता है रोशनी आगे चली गई, रोशनी के चक्र हैं, रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामनी या कोई और रंग। हो क्या रहा है? प्रभु की ज्योत कहीं बाहर से नहीं आ रही, उनकी रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, सब हमारे भीतर है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे अंदर हैं, उनके शब्द हमारे अंदर चल रहा है, उसके दो रूप हैं, लाइट एंड साउंड, ज्योति और श्रुति, वो सब हमारे भीतर है। जब हमारा ध्यान टिकता है हमें रोशनी दिखाई देती है, जब हमारा ध्यान टूटता है हमें अंधेरे अंधेरा देता है। समय के साथ जैसे जैसे हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है हमें ऐसे लगना शुरू होता है रोशनियाँ टिक गई हैं, और उसके बाद बहुत से और नज़ारे, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं। अब जब हम इस यात्रा पर जाते हैं, अंदरूनी यात्रा पर, ये यात्रा वो है जो खुशियों से भरपूर है। जब प्रभु के शब्द के साथ हम जुड़ते हैं, अंदर में ज्योति और श्रुति का अनुभव करते हैं, तो अंदर से हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ तेज़ी से जुड़ना शुरू हो जाता है। कनेक्शन तो हमारा शुरू से ही है, लेकिन जैसे धुंधलापन आ जाए तो चीज़ दिखती नहीं, वही हालत हमारी है। जो मन माया के पर्दे पड़ गए हैं उनको हमने परे करना है। जैसे जैसे वो परे होते जाते हैं रोशनियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और तेज़ होनी शुरू हो जाती हैं, और खूबसूरत होनी शुरू हो जाती हैं, और वो हमें और आनंद की अवस्था में पहुँचा देती हैं। हम सब उस आनंद की अवस्था को पा सकते हैं, और जैसे ही हम उस आनंद की अवस्था में जाते हैं तो उसका असर क्या होता है कि सिर्फ उस समय के लिए नहीं जबकि हम ध्यान टिका रहे हैं, लेकिन उसका असर बहुत देर तक उसके बाद भी रहता है। तो जब हम अभ्यास से उठते हैं तो जो दुख दर्द हमारा है वो अपने आप एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सब कुछ जो हमें चाहिए हमारे भीतर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। वो फरमाया सब कुछ हमारे घर में है, जो बाहर खुशियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो सब भरम की जिंदगी में पड़े हुए हैं। हमें भीतर की दुनिया में जाना है, अंदर की दुनिया में जाना है। पिता परमेश्वर हमारे भीतर बैठे हैं, उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। उनको जाने, उनको पहचाने, उनसे एकमेक हों तो हम देखेंगे कि जिंदगी सदा सदा के लिए सुख चैन से भर जाएगी। तकलीफें ज़िंदगी में आती हैं बट चली भी जाती हैं। हमें ध्यान अंदर की ओर करना है, तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आईबॉल्स हैं आपके आंखों के डेले हैं, ये सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने आप देख रहे हो, ये सीधे रहने चाहिए। अगर इनको आप उठाओगे, कई लोग सोचते हैं कि शिव नेत्र यहाँ हैं, 10वां द्वार यहाँ है, इनको उठा लेंगे शायद कुछ ज़्यादा देखेगा। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो आईबॉल्स हैं ये फ्लैश और ब्लड की बनी हुई हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो जड़ता का बना है, मैटर का बना है, उसका इंप्रेशन ये रेटिना पर भेजता है। रेटिना उसको देख के जो हमारा दिमाग है उसको भेजती है कि भाई ये चीज़ है, और उसके लिहाज से फिर दिमाग सोचता है कि शरीर के हिस्सों को वो इन्फॉर्मेशन भेजता है कि वो कैसे बिहेव करें। जैसे कोई इंसान आ रहा है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको बहुत अच्छा इंसान लगता है, जैसे ही दूर से दिखता है तो आँखों से एकदम रेटिना के थ्रू जब इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन को, तो ब्रेन कहता है हाँ ये तो मेरा दोस्त है, चलो इसको जाके जफी पारनी है, तो तुम उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हो, उसको गले लगाते हो। क्यों? क्योंकि आँखों ने पहले देखा वो इंसान आ रहा है। तो आँखों का भी काम है, जो मैटर की चीज़ें बनी है, जो जड़ता की बनी है, ध्यान उनकी ओर देना। जो हम अंदर देख रहे हैं वो इन आँखों से नहीं देख रहा, वो ये शिव नेत्र से देख रहा है, 10वें द्वार से देख रहा है। अगर इनको ऊपर करेंगे इधर तो माथे पर जोर पड़ेगा, आपको सिरदर्द हो जाएगा। इनको सीधा रखना बहुत ज़रूरी है।
तो जैसे ही आप आंखें बंद करें तो आप प्रभु के नाम का जाप कीजिएगा। वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने अंधेरे में थोड़ी देर में रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।